Hello students, welcome back to my art class. Today our topic is crumpled paper pasting fish activity 7. Through this activity we will learn about paper fish and how to make a crumpled paper. Okay, we need some resource and tool for activity as a art book, pencil, scissor, ग्लू एंड कलर्ड पेपर. ये जो कलर्ड पेपर है आपके बुक के साथ किट में दिए हुए हैं, इसको हमें यूज करना है. यहाँ पे कौन से पेपर हम यूज करेंगे? ब्लू एंड येलो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू राइट हेयर द डे, डेट एंड HW. अब हम जो है दो कलर शीट लेंगे. यहाँ पे इसको हमें ये दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप क्रैश करना है. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ में हमारा कंप्लीट हो जाता है. तो हम पहला स्टेप करते हैं, इस पेपर को अच्छे से ऐसे क्रैश कर लेंगे. ओके, लाइक ए बॉल. ये हमने क्रैश कर लिया है. इस तरह से हमारी दो बॉल हो गई हैं और इसको और अच्छे से प्रेस करके आप प्रेस कर सकते हो. फिर हम इसको ओपन करेंगे. अब ये जो हमारा एक पैटर्न है, जो है एक हैंडमेड शीट जो होती है, उस टाइप से ये जो हमारा पैटर्न आ गया है. अब इसके ऊपर हम फिश ड्रॉ करेंगे. जैसे बुक में दिया हुआ है उस टाइप से भी आप उसको देख के ड्रॉ कर सकते हो. ओके, तो इस तरह से हम जो है ये फिश ड्रॉ करेंगे. ये मैंने ड्रॉ कर लिया है. ओके, और इसके साथ जो है ना फिर इसको सीजर के साथ इसको कट कर लेंगे लाइक दिस. इसकी जो शेप है रेडी हो गई है यहाँ पे. ओके, तो इसमें आप देखेंगे जो ब्लू शीट है इसको हम ओपन करेंगे. फिर ये इस तरह से, और उसको जो ये जो कटिंग की हुई है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे. इसके बाद जो हमें इसको ट्रेस करना है, पहले हम अच्छे इसको फॉलो कर लेंगे. ठीक है, कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे मतलब इसका जो है डिजाइन बनाना है. तो हम इसको ऊपर रख के इसको इस तरह से ट्रेस कर लेंगे. ये हमारा ये ड्रॉ हो गया है. सेम मैंने सेम कर लिया है. यहाँ पे ये डिफरेंट है, तो आप देखेंगे जो स्टेप 5 है इसमें जो है ब्लू की जो है अलग से इससे अंदर से डिजाइन कर दिया है. इसके लिए जो हम क्या करेंगे, इसको पहले कट करेंगे. जो हमारे दो ये कटआउट्स हो गए हैं फिश के. अब आपको क्या करना है, ये फिश जो है ब्लू के ऊपर रखेंगे ऐसे, बिल्कुल इसके पैरेलल. अब क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम इसको एक फिश की जो है ये विंग कट करेंगे ऐसे ही. ये जो है यहाँ से लेके इसको इस कॉर्नर तक, और फिर इसको आगे बढ़ाते हुए जैसे कि आपके बुक में दिया है वही शेप यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी. तो ये हम कटआउट करेंगे यहाँ पे लाइक दिस. ये हो गया. और इसके बाद जो है ये इसमें जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं ब्लू की, ये हम क्या करेंगे, हम इसको पहले से ही हम बना देते हैं. कैसे, ये जो
थ्री बनी हुई है, इसको हम ऐसे कर देंगे यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ये हमने ऐसे ड्रॉ किया ये पैटर्न। और फिर हम क्या करेंगे, इसी को कट कर देंगे यहाँ ऐसे, इस तरह से ये कटिंग कर देंगे। ये हमारा वही पैटर्न जो है यहाँ पे ड्रॉ हो गया है, ये इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। तो पहले इसके दूसरी साइड में एज के साथ साथ जो है यहाँ पे ये ग्लू लगाएंगे, और इसके बाद जो हम इसको पेस्ट करेंगे। ये हमारा जो है पेस्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, एक विंग यहाँ पे ब्लू की दिखाई हुई है, तो हम ब्लू सीड जो है बची हुई जो, उसके ऊपर इस तरह से ये इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। और इसको इस तरह से, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पेस्ट हो गया। इसके बाद जो हम क्या करेंगे, हम आइज बनाएंगे। आइज के लिए कोई भी ऐसे जो एक्स्ट्रा वाइट पेपर लेंगे, उस पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी सर्कल ड्रॉ में, तो आप क्या किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प ले सकते हो। ऑब्जेक्ट रखेंगे, राउंड ऑब्जेक्ट, और उसको फिर ट्रेस करके कटिंग कर लेंगे लाइक दिस। इस तरह से हमें सर्कल जो है बना लेना है, इस तरह से। और ये हमारा आइस का सर्कल बन गया है। अब इसके जो है वो करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने इसके जो है लिप्स बना दिए यहाँ पे, यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। अब जो या तो ब्लैक सीड से आप ये आप ब्लैक इसका सर्कल कटिंग कर सकते हो, या फिर आप मार्कर से इसके सर्कल बना सकते हो ऐसे कलर करके। ओके, ये जो है हमारी फेस जो है हमारी रेडी हो गई है। तो इसमें हमने क्या सीखा है, कटिंग स्किल इम्प्रूव की है और पेस्टिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।